आप सभी लोग। आई होप कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने मीना ने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। मान तो अभी मैं घास से आ गई हूँ दगड़ी। अभी फिलहाल मैं हाथ को ठेर रही हूँ। ये अभी उठ रहा है। तो दगड़ी आप देख सकते हो मैं पांव धो रही हूँ अभी। ठीक है, तो आज का व्लॉग अब शुरू कर ही दिया है, तो देखते हैं आज के दिन की एक्टिविटी क्या क्या रहती है। मैं घास काट के आ गई हूँ। ये अभी उठ रहा है और इसने नहाया धोया भी नहीं है। नहा लिया है मैंने। मैं घास काट के आ गई हूँ। 3 डलिया गोबर के फेंक के आई हूँ। 2 बाल्टी पानी भर के ला गई हूँ। ठीक है, चलिए। तो आज का व्लॉग भी दगड़िया मम्मी ने स्टार्ट कर ही दिया है फिर ये बनाना। ठीक है, तो मम्मी घास से भी आ गई है और मम्मी ने अपने कामकाज बता दिए। सुबह से इतना कुछ कर दिया, गागरी भर दी, डलिये में गोबर भी फेंक दिया। घास से भी आ गई है और बाकी नाश्ता बना लिया है हाँ और छिलका झाड़ झाड़ दिया है। हाँ, तो इतना कुछ कर दिया है फिर मम्मी ने सुबह से। ठीक है, और बाकी अभी 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 उठकर जस्ट नहा धोकर मैंने भी ये व्लॉगिंग कर दी भी स्टार्ट ही। तो चलिए फिर आज का व्लॉग मम्मी ने स्टार्ट करी है तो मैं भी कर ही लेता हूँ। तो ओहो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे आप सभी लोग, आई होप कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मम्मी और मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है ये। बढ़िया लग रहा हूँ गाने। सावन आया बादल छाए। अब ना देखो मिर्चियों में ना फूल लगने भी शुरू हो चुके हैं ये। हाँ, और देखो इतने सारे फूल भी लग रहे हैं यहाँ पर। और बाकी कल मैंने दिखाया था आपको ने बाजरा, ये देखो इतना बड़ा है। देखो नीचे से इतना बड़ा ही दिखाई दे रहा है। जितने भी लगड़ियों फूल के पेड़ है ने, ये सारे मम्मी ने लगा रखे हैं। जो छत पे गमले है ना, वो भी सारे मम्मी के लाए हुए हैं। और फूल भी जितने लगा रखे सब मम्मी ने लगा रखे हैं ये। तो अभी मम्मी उनको ही निहार रही है ऐसे देखो। हम ऐसा काम करते नहीं है वो है? क्योंकि हम ऐसा काम करते नहीं है वो। कौन? हम? तुम? हम क्या कौन हुआ? मैं पानी दी उनमें। म्याऊ, म्याऊ। जा ये। तो यहाँ मम्मी ने बिल्लियों के लिए खाना रेडी कर दिया है, दूध और रोटी। अभी तीनों के तीनों यहाँ बाहर आ रखे ने। ये देखो ये रुक जाओ रुक जाओ, अल्लाह खाला। जागो 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 जागो। यो हा, खाओ खाओ खाओ। तो अम्मा ने ना खेत से ना मक्के तोड़ दिए, तो उन्हें लेने जा रहा हूँ मैं। है हमें अमल बादरा शायद अमो ना बादरा के ना ये। तो ये है मक्के, देखो इतने सारे मक्के आज शाम को बनाएंगे। अब मैं इसको घर को ले आता हूँ फिर पहले। ये घोक देखो दे घड़ी हो कदू बढ़िया रोने। लंच बनने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो मम्मी यहाँ पर ना टपकी के लिए यहाँ बैंगन और भिंडी काट के रेडी कर दी मम्मी ने। ठीक है, तो दाव एक्चुअली मम्मी आल झोई। हाँ, तो झोई भात और टपकी। तो आज पापा की भी छुट्टी है ना, तो आप पापा घर में ही है, तो पापा की फेवरेट है छोली भात और टपकी। तो जब भी पापा घर में होते मम्मी तो वही बनाती है जो पापा का फेवरेट है। देख रहे हो कितना ख्याल रखती है मम्मी आपका। अभी आप पापा ना दगड़ी हो अपने बालों में मेहंदी कर रहे हैं ये। तो पापा के बाल ना सफेद हो गए आधे। पापा बूढ़ी जैसे गए हैं थोड़े-थोड़े। बुढ़ी जैसे गए। लो इसे लगाओ। ये तो दांत मजनी ब्रश ले पापाना का चुके पुराण वाल। लो ये लगनी मशीन। इसे मोड़ पछिन ले। उसे भाई मोड़ जा। रुको पछिन मत, और तो हो जरा। ये अब मम्मी कर रही है पापा के सर में मेहंदी। कितना ख्याल रखती है। कुछ कहना चाहोगे पापा? पापा बड़ा का निहारण में चाहिए आयो। क्यों नहीं? कौन बड़े दिए वो? पापा कौन बड़े दिए? नतीन अक्का था।
त्यागालन अगर भी हो ती भी धीरे को बा ये आप हो गए पापा के सारे बाल काले पौडरा घुस निकलन ये आप खुश हो गए पापा आप सान में आएगी बाग कामोस ये देख रहे हो पापा दोबारा एक बार क्यों बुड्ढा बना जवान आज का टाइटल रहेगा मेरे बुड्ढा बना जवान ले मो एल लगा है वो पानी ले बिहार बैठ बे जरा सी एज बच गयो जवान बढ़ जा थोड़ी देर में कदू बढ़िया नींद आ रहा है मैं बिल खर उतर रहा तो टपकी ना मिक्सर है दगड़ियों इसमें आलू बैंगन भिंडी शिमला मिर्च सभी है तो आप पापा तो खाने लग चुके हैं फिर बाकी अम्मा भी आ रही है और मम्मी भी परोस रही है खाना तो चलिए फिर आप पहले मैं भी खा लेता हूँ तो लंच भी कर लिया दगड़ियों और बाकी अभी फिलहाल मम्मी और अम्मा खा ही रहे हैं पापा और मैंने तो खा लिया है ठीक है ये मम्मी को गर्म लो बहुत है गो बेला लियो और बाकी मकलब बहुत गर्म है गो सच में लेकिन खाना खाने में मजा आ गया जब भी छोई बार टपकी होती है आपको पता ही है आह रंगत आ जाती है और देखो मम्मी अभी ना खुचैन की कटकी भी खा रही है साथ में तो इसमें तो कुछ ज़्यादा रंगत और अलग ही है तो अब मैं फिलहाल बाहर चले आता हूँ फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही किचन में और धूप अभी फिलहाल अब आ गई है कल तो पूरे दिन भर धूप नहीं थी लेकिन आज अब धूप आ गई है और आसमान अभी हो गया है साफ देखो पूरा नीलपट दगड़ियों यहाँ ताओ भयो लेकिन मलिब बादो लग रही यो तो अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है और बाहर ना हवा चल रही है अभी काफ़ी अच्छी हल्की फुल्की हवा चल रही है लेकिन अच्छा लग रहा है तो अभी फिलहाल दगड़ियों शाम के 5 बज चुके हैं तो अभी ना मम्मी आप जा रही है घास लेने के लिए दातुला और मम्मी ने अपना बदो भी पकड़ लिया है कहाँ अच्छा लगा लेते हैं अच्छा तो मम्मी भी जा रही है अभी थोड़ी देर में मैं भी जाऊंगा ठीक है तो ना ऊपर ना वहाँ जंगल में पापा लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं तो कुछ दिन पहले हमने वहाँ ना पेड़ ढाव रखा था दगड़ियों तो आज लग तो अभी दगड़ियों पहुँच गया फिर मैं यहाँ पापा मम्मी के साथ तो पापा ने ना यहाँ पर ना कुछ भिड़क फाड़ के रख दिए हैं ठीक है तो जो इतने बड़े बड़े पीस होते हैं ना इनको भिड़क बोलते हैं बाकी इनकी लकड़ियाँ बनेंगी अभी बाद में है ना पापा ये देखो दगड़ियों इतना बड़ा गिंट ले जा रहा हूँ मैं बाप रे भारी एक तो गीले भी हो रहे हैं ना तो गीले हैं इस वजह से ज़्यादा भारी हो रहे हैं नहीं तो सूखे में तो उतने भारी नहीं होते हैं लकड़ी भी सूखी लकड़ी है ना तो अगर ये इसमें पानी नहीं पड़ा होता तो ये हल्का रहता लेकिन ये गीले हो रखे हैं कल परसों की बारिश से और बाकी यहाँ पर देखो यहाँ से ये पानी जाता है ना तो यहाँ पर आराम से चलना पड़ेगा अगर फिसल गया तो हड्डी पसली भी टूट जाएगी मेरी एक ये दगड़ियों सबसे कठिन काम होता है ना कुछ भी जब भारी सामान ले जाते हैं तो उस समय व्लॉगिंग करना काफ़ी टफ पड़ जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो इतना बड़ा भारी गिंट ले जा रहा हूँ घर के हट जा इल्ला बन का दियो जा तो आप दगड़ियों 2-3 घात और सारते फिर हम गिंट और ये भिड़क भिड़क ठीक है तो अब ये सारने के बाद ही मिलता फिर मैं आप लोगों से ना इस बीच में व्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि रास्ते बहुत ही फिसलन भर हो रहे हैं इसमें व्लॉग बनाना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है अभी मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखा दिया है लेकिन बार बार नहीं दिखा सकता हूँ मैं ना कहीं फिसल गया तो फिर ख़त्म हो जाऊँगा एक तो भारी भी बहुत हो रहे हैं तो इससे अच्छा है कि अब काम करने के बाद ही मिलता हूँ आप लोगों से अभी फिलहाल मैं दगड़ी शाम के 7:30 बजने वाले हैं और बाकी अभी फिलहाल मैं किचन में बैठ गया हूँ मैं और मम्मी दो भिड़क लाए थे यहाँ घर तक हमने पहुँचा दिए ठीक है हमने 2 घास सारे बस और बाकी गागरी में पानी भरकर ला चुका हूँ मैं और चूल्हे में आग जला दी है और आज दगड़ियों मेरी फेवरेट सब्जी बन रही है भिंडी की ये देखिए मम्मी ने भिंडी काट कर रेडी कर दी है जब भी भिंडी कटी हुई मैं ऐसे देखता हूँ ना आए हाय दिन बन जाता है तो आज तो भिंडी है तो मजे आएंगे खाना खाने में ये और यहाँ बाहर देखो ये बिल्लू और उसके 2 बच्चे दूध पी रहे हैं अभी फिलहाल अंदर ना कमरों में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो अभी फिलहाल अम्मा पापा भारी बैठ रखे हैं और बाकी ताऊ जी भी आ रखे हैं बगल में बूबू और ने सब ने
यहाँ बाहर बकरियाँ और भैंस बांधने का भी टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में भैंस भी बांध देंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी देर मैं भी यहीं बाहर बैठता हूँ, फिर अब जब खाना बनेगा तभी जाऊँगा मैं भी किचन में। तो अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है, तो आज के दिन की भी एक्टिविटी रगड़ी कुछ इतनी थी मेरे। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग का फिलहाल यही एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता है फिर कल एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय, अमो बाय बाय।